हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम नॉट एग्जैक्टली वीडियो रिक्वेस्ट की है। अभी कुछ दिनों पहले मौसमी सिंह जी ने मुझे एक ऐसी गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था जहाँ गैरी कास्परोव ने अपने दोनों रुक से सेक्रीफाइस किए थे। लेकिन फ्रेंड्स, उस गेम के ऊपर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, खासकर मौसमी जी के लिए मेरा मैसेज है, आप गैरी कास्परोव वर्सेज वेस्लिन टोपलोव की गेम सर्च कीजिए। उसका हेडिंग है कास्परोव इमॉर्टल, वो गेम वही है। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही इसी तरह से मिलती जुलती एक और गेम मुझे मिली थी, वो 1989 की थी, जो बार्सिलोना वर्ल्ड कप में खेली गई थी, जहां गैरी कास्परोव का मुकाबला था जोनाथन स्पिनमैन से। स्पिलमैन अपने समय के बड़े ज़बरदस्त चेस मास्टर रहे थे, और गैरी कास्परोव को तो खैर देखते हुए मैं बड़ा ही हुआ था। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस एक्साइटिंग गेम को देखते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत ही गैरी कास्परोव ने D4 के साथ, तो D6 मॉडर्न डिफेंस, कुछ अनयूजुअल ओपनिंग है, यहाँ जोनाथन ने किया। E4, G6, C4, देन E5, Nf3, तो Xd4, Xd4, बिशप G7, थोड़ा सा नाइट पर प्रेशर है, तो Nc3 यहाँ पहले वाइट ने किया। देन Nc6, बिशप E3, Nf3 गोज टू E7, देन H4, H6, देन बिशप E2 स्क्वायर पर F5, तो E takes F5, Nf5, Nf5, Bishop takes F5, और काफ़ी कुछ मैटर एक्शंस हो ही चुका है। क्वीन गई D2 स्क्वायर पर, ताकि ब्लैक और ज़्यादा डैमेज वाइट को यहाँ ना कर पाए। क्वीन D7 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड ने कैसल किया। गैरी कास्परोव ने किंग साइड और जोनाथन ने क्वीन साइड। B4, Nf4, आफ्टर ऑल ये गैरी कास्परोव ने अपना पॉन बिना मतलब में क्यों सेक्रीफाइस किया। बिना मतलब में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ब्लैक की कि उन्होंने यहाँ अपने इस बिशप को बहुत अच्छी जगह रखा हुआ है, तो कभी भी ये रुख यहाँ इस कम से कम B1 स्क्वायर पर नहीं आने वाला। और एक पॉन, ठीक है, फाइल ओपन करने के लिए एक पॉन सेक्रीफाइस कर दिया है, क्योंकि यहाँ ये बिशप बहुत अच्छे स्क्वायर पर जा सकता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो लग ही सकता है। Nb5 यहाँ पहले गैरी कास्परोव ने किया, और उन्होंने यहाँ सीधा इस A7 पॉन पर अटैक बनाया। तो मेरे ख्याल से एक पॉन अगर ब्लैक को एडवांटेज मिल चुका है, तो उन्हें यहाँ नाइट को C6 स्क्वायर पर लेकर आ जाना चाहिए था। और अगर हम यहाँ से चलिए मानते हैं कि गैरी कास्परोव रियलाइज़ हो गया कि उन्हें गलती हो गई, तो कास्परोव अब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, वो यहाँ करेंगे Bf3, ठीक है, नाइट पर अटैक बनेगा, और उसके बाद किंग B8 स्क्वायर पर चला जाएगा। Nf7, Nf7, Bf7 चेक, Kf7, Qf5 चेक, किंग B8 स्क्वायर पर चला जाएगा, Bf6, मतलब मैं ओवरऑल कहूँगा तो गेम यहाँ लगभग ड्रॉ की तरफ ही जाएगी। छोड़िए फ्रेंड्स सब मेटेरियल एक्शंस को, आइए वही देखते हैं जो इस गेम में हुआ था। यहाँ जोनाथन ने किया था Nc2, और उन्होंने यहाँ इस रुक पर अटैक बनाया। एक्चुअल अटैक रुक पर नहीं है, एक्चुअल अटैक है इस बिशप पर, जो यहाँ इस A7 पॉन तक प्रेशर को पहुँचा रहा है। तो Bf3 यहाँ पहले गैरी कास्परोव ने किया, और अपने रुक को जानबूझकर सेक्रीफाइस कर दिया है, एक्शंस डाउन होने का मौका दिया। सेक्रीफाइस तो भाई हुआ है या नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद पता लगेगा। और अब ब्लैक को अगर ये मिल रहा है, मेरे ख्याल से सिचुएशन फ़िलहाल तक ऐसी है कि ब्लैक को अगर ये चांस मिल रहा है, तो यहाँ Nf7 करने में शायद कोई ज़्यादा बुराई थी नहीं। हाँ, एडवांटेज कहीं ना कहीं गैरी कास्परोव ले जाते इस चीज़ का, पर वही देखते हैं जो इस गेम में हुआ था। यहाँ जोनाथन ने किया था D5, क्या इस मूव की जरूरत थी? ज़्यादा बेटर तो Nf7 ही था, Bf takes D5, और इस बिशप के D5 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगा कि शायद यहाँ ब्लैक की इंटेंशंस अपने इस सी पॉन को आगे पुश करके इन दोनों पीसेस पर, माइनर पीसेस पर फॉक लगाने की है। तो मान लो अगर यहाँ ब्लैक C6 कर दे, तो उसके बाद Nf7 तो वाइट का ऑब्वियस मूव होना ही होना है। किंग मूव होगा पहले, किंग जाएगा B8 स्क्वायर पर, देन बिशप F4 चेक हो जाएगा, ओके, तो चेकमेट हो जाती है। तो अगर मान लो ब्लैक यहाँ Kf7 करे, तो उसके बाद क्वीन A5 चेक और मेट, मान लो अगर किंग इस नाइट को ना भी ले, तो भी किसी ना किसी तरीके से यहाँ चेकमेट हो ही जाएगी। तो फ्रेंड्स, सी पॉन तो बिल्कुल भी यहाँ इस पॉइंट से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो मेरे ख्याल से ब्लैक को जिस तरह से अटैक बढ़ता हुआ जा रहा है, तो ब्लैक को यहाँ ज़रूर B6 की ऑप्शन कंसिडर कर लेनी चाहिए थी। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, पॉन एक्शंस इक्वल रहता। Nf7 यहाँ मान लो अगर वाइट करे भी, तो उसके बाद किंग मूव हो जाता है, ठीक है। हाँ, मैं कहूँगा कि अटैक का प्रेशर तो पूरा का पूरा है ही, कभी भी एक क्वीन इस ए फाइल में जाकर बहुत ज़बरदस्त अटैक बना सकती है। पर जो भी है, जब गैरी कास्परोव ने यहाँ Nf7 किया, तो मेरे ख्याल से
ब्लैक की मुसीबतें ज़्यादा शुरू हो गई, क्योंकि कास्परोव ने यहाँ किया नाइट टेक से सेवन, चेक किंग या बी एट स्क्वायर पर, और अब ये क्वीन कहीं भी जा सकती है मेरे ख्याल से। ए फाइव स्क्वायर में एक्सपेक्ट कर रहा था वाइट से, लेकिन ये क्वीन गई बी फोर स्क्वायर पर और उन्होंने यहाँ सीधा डायरेक्ट चेक मेट की थ्रेट दी। और अब ब्लैक के पास क्या पॉसिबिलिटीज़ है, मेरे ख्याल से तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले सी पॉन को ही आगे पुश कर दो। चलिए देखते हैं कि अगर ये सी पॉन सी सिक्स स्क्वायर पर जाए तो क्या होता है। अगर यहाँ सी सिक्स होता है तो उसके बाद बिशप एफ फोर चेक, जो कि ऑब्वियस मूव है, चेक आनी यानी है। किंग एट स्क्वायर पर जाएगा तो उसके बाद नाइट बी फाइव और फिर दोबारा से वही क्वीन के ए फाइल में आने के बाद चेक मेट की थ्रेट होगी। तो एटलीस्ट यहाँ ये सी पॉन तो आगे पुश नहीं किया जा सकता। दूसरी ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं, अगर यहाँ ब्लैक डिसाइड करे कि वो यहाँ सी फाइव कर ले तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर वही होगा बिशप एफ फोर चेक। किंग के लिए क्या स्क्वायर बचेगा, किंग के लिए स्क्वायर बचेगा सिर्फ ए एट, फिर वही क्वीन बी सिक्स या इस क्वीन को ए फाइव में लेकर चले जाओ और नाइट को मूव कर लो, फिर वही चेकमेट। पर चलिए छोड़िए फ्रेंड्स, आइए वही देखते हैं जो है इस गेम में हो। तो ब्लैक के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है, वो इन कम से कम सी पॉन को तो बिल्कुल ही आगे पुश नहीं कर सकता, और क्या वो यहाँ इस बी पॉन को आगे पुश कर सकता है, मेरे ख्याल से वो ऑप्शन भी इतनी ईजी नहीं होगी, उसमें भी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम होंगी यहाँ। तो जोनाथन यहाँ आउट ऑफ मूव्स हो चुके हैं, फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि अब गेम उनके हाथ से निकल चुकी है। तो उन्होंने यहाँ किया क्वीन टेक्स डी फाइव, अपनी क्वीन दे दी नाइट के बदले में, और वो यहाँ सोच सकते हैं कि ठीक है मुझे एक रुक मिल गया, एक नाइट मिल गया, क्वीन दे दिया, ठीक है। तो सी टेक्स डी फाइव, देन नाइट सी टू स्क्वायर पर वापस क्वीन पर अटैक बना, क्वीन को तो ए फाइव स्क्वायर पर जाना ही था। और अब क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ ये काफ़ी डेडली अटैक बना हुआ है खासकर इस बिशप का, तो नाइट डी फोर की ऑप्शन कंसिडर की जा सकती थी। इस बिशप के जोर पर ये नाइट यहाँ रखा जा सकता था, लेकिन यहाँ से भी अगर गेम आगे बढ़े तो नाइट डी वन यहाँ पहले वाइट करेगा और इस नाइट पर प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ा देगा। नाइट डी टू चेक, चलो वो नाइट बच भी गया तो किंग एफ वन स्क्वायर पर जाएगा और फिर दोबारा वो जो चेकमेट आने वाली है वो किस तरह से बचेगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। खैर ब्लैक ने यहाँ इस नाइट को डी फोर स्क्वायर पर नहीं प्लेस किया था, उन्होंने यहाँ किया था नाइट टेक्स ई थ्री, कम से कम एक बिशप को तो एलिमिनेट करो, वो बात भी ठीक है। एफ टेक्स ई थ्री होने के बाद अब यहाँ फ्रेंड्स ब्लैक क्या करे, बिशप को सी थ्री स्क्वायर पर ले जाए, क्वीन पर नहीं डिफ्लेक्ट, ठीक है मेटल एक्सचेंज होगा। अगर ये क्वीन यहाँ इस बिशप को लेगी तो किंग यहाँ इस नाइट को ले लेगा, क्वीन टेक्स सी थ्री होगा, किंग टेक्स ए वन हो जाएगा। और अगर हम मेटल काउंट करें तो वाइट के पास एक एक्स्ट्रा पॉन यहाँ है, चार पॉन दोनों खिलाड़ियों के पास क्वीन के बदले में, ठीक है मान लेते हैं दोनों रुक्स हैं, लेकिन यहाँ वाइट के पास एक रुक एक्स्ट्रा है, मतलब एक्सचेंज अप है, यहाँ ब्लैक के पास बिशप होगा। तो काउंटिंग वाइज या एक्सचेंज वाइज गैरी कास्परोव आगे निकल चुके हैं। खैर यहाँ ब्लैक ने कहता रुक अटैच गोज टू ई एट, और उन्होंने यहाँ पॉन पर तो खैर प्रेशर नहीं है, अपने पीसेस को ही मैनिपुलेट कर रहे हैं। नाइट बी फाइव जो मूव एक्सपेक्टेड था यहाँ वही गैरी कास्परोव ने चला। तो जोनाथन अब यहाँ क्या कर सकते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि चूँकि आपका अटैक किंग साइड पर लग रहा है तो आप प्लीज़ ध्यान दें अपने पीसेस पर, और ध्यान भी किस तरह से दें कि अपने पीसेस को ज़्यादा से ज़्यादा किंग के नज़दीक पहुँचाए ताकि वो उसकी सेफ्टी कर सके। जैसे कि यहाँ मेरे नज़र में बिशप को ई फाइव स्क्वायर पर ले जाना एक अच्छा मूव हो सकता था यहाँ का, कम से कम इस सी सेवन पॉन पर तो डिफेंस होता, और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती तो एक चेक आती क्वीन ए सेवन चेक, किंग सी एट स्क्वायर पर जाता और उसके बाद जो भी फर्दर चेक आती उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा ये बी सेवन पॉन उनके हाथ से जाता जोनाथन के हाथ से। पर यहाँ जोनाथन ने किया था रुक टेक्स डी फाइव, इस पॉन को लेने की कम से कम ज़रूरत नहीं थी किसी भी तरह से, क्योंकि पिन तो कुछ होता नहीं है। तो यहाँ गैरी कास्परोव ने पहले किया क्वीन टेक्स सी सेवन विद चेक, किंग के लिए फोर्स मूव है ए एट स्क्वायर बचा है, एंड फाइनल मूव फ्रॉम गैरी कास्परोव वॉज क्वीन ए फाइव चेक। और यहाँ इस मूव के बाद जोनाथन स्पिलमैन ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन की वजह फ्रेंड्स सिंपल है, यहाँ ये दोनों रुक्स की पोजीशन, आप ब्लैक के चारों पीसेस देखिए, कोई भी पीस ठीक है आप कह सकते हैं कि बिशप पर है डिफेंस, लेकिन बाकी तीन पीसेस बिल्कुल क्लियरली अनडिफेंडेड है। खैर पहले अगर हम यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाएंगे, ब्लैक को अपनी चेक बचनी, किंग जाएगा बी एट स्क्वायर पर और फोर्सफुली फाइनली ये किंग जिस स्क्वायर पर जाएगा वहाँ पर ब्लैक को अपना एक रुक तो गंवाना ही होगा। कैसे कैसे, क्वीन ए फाइव चेक होगा किंग सी एट स्क्वायर पर जाएगा, क्वीन ए एट चेक होगा तो किंग के लिए बचेगा सिर्फ डी सेवन स्क्वायर, क्वीन टेक्स बी सेवन विद चेक किंग कहाँ जाएगा, किंग के लिए बचेगा जो भी स्क्वायर बचेगा चेकमेट होगी, किंग जाएगा ई सिक्स स्क्वायर पर। अगर ये किंग मान लो
D7 स्क्वायर पर जाए तो अगले मूव में यहाँ चेकमेट क्लियरली आपको नजर आ ही रही होगी, लेकिन जब ये किंग E6 स्क्वायर पर जाएगा तो उसके बाद नाइट C7 चेक और जितने भी पीसेज हैं मेजर पीसेस सब पर फॉक लग रही होगी। अब किंग को डिसाइड करना है कि उसे यहाँ अपने इस D5 रुक को बचाना है या फिर E8 रुक को। अब किंग कहाँ जाए, मान लो E7 स्क्वायर पर चला भी गया तो उसके बाद नाइट टेक्स D5 चेक, फिर दोबारा वही चेक आएगी किंग के लिए। अब बचेगी F5, किंग जाएगा F8 स्क्वायर पर तो उसके बाद G4, यहाँ ये बिशप भी गया तो हेल्पलेस कंडीशन है मेरे ख्याल से तो, और इस गेम को आगे कंटिन्यू करने की और कोई दूसरी वजह भी नहीं है। किसी भी तरह से कैलकुलेशंस कर ले फ्रेंड्स, यहाँ से गेम सिर्फ फ्रस्ट्रेशन के अलावा कहीं नहीं जाती, जिस वजह से जोनाथन स्पिलमैन ने यहाँ रिज़ाइन किया था। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।